हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से एंड दोस्तों आप जानते ही हैं मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अलग अलग मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियोज़ हैं जिसमें कि मार्केटिंग ओ बी एच और ऑपरेशंस को लेके वीडियोस हैं और अपने फीडबैक के बेसिस पे जो हमारे सब्सक्राइबर्स देते हैं हम कंटेंट को ऐड करते रहते हैं आज की हमारी वीडियो दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे है और जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो नंबर है, थर्टी वन है ऑलरेडी थर्टी वीडियोस आ चुकी हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको ये भी पता होगा कि स्ट्रैटेजी का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इवेलुएशन एंड कंट्रोल उस उसमें भी दोस्तों दो वीडियो आ चुकी हैं जिन हमारे फ्रेंड्स ने उनको ना देखा हो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो नंबर ट्वेंटी नाइन थर्टी को देख लीजिए आपको एक कंटिन्यूटी समझ में आएगी आज इवेलुएशन कंट्रोल की थर्ड वीडियो है इवेलुएशन क्या होता है कंट्रोल क्या होता है उसके बेसिक मेथड्स फाइनेंशियल मेजर्स नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ये सारा हमने पिछली बार पढ़ लिया था हमने जो है पिछली बार इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया था उसके बाद बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में भी जाना था आज हम कुछ और टॉपिक्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस चैप्टर को और साथ साथ स्ट्रैटेजी को कंक्लूड कर देंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चेयरमैन सी फीडबैक इंस्ट्रूमेंट तो जो क्वेश्चन होता है मान लीजिए चेयरमैन सी को फीडबैक लेना है तो उसमें चार जो दोस्तों क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाता है सबसे पहले तो होता है की एरिया सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस जब भी कोई सीईओ लेवल का या चेयरमैन लेवल का बंदा रिव्यू करे तो सबसे पहले तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा लीडरशिप ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप एस लेवल के लोग जो कि यानी कि आपके एम डायरेक्टर लेवल के वो हैं कभी भी जो है मान लीजिए एम या कोई डायरेक्टर लेवल पे या वीपी लेवल पे चेंज हो रहा है तो उस चीज़ को हमेशा बोर्ड को इन्फॉर्म किया जाता है जो कि क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग या जैसी भी कंपनी की फ्रिक्वेंसी हो उस पर की जाती है थर्ड होता है टीम बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट सक्सेशन तो टीम में क्या मेंबर्स होने चाहिए मैनेजमेंट में की पोजीशंस पे सक्सेशन कल को मान लीजिए एमडी किसी वजह से जो है वो नहीं है कुछ भी रीज़न हो सकता है एक्स वाई जेड पर्सनल छोड़ के जा रहे हैं मान लीजिए एक्सपायर हो जाते हैं या जो भी है तो क्या उनकी पोजीशन के लिए नेक्स्ट लेवल पर्सन तैयार है या नहीं है सक्सेशन प्लानिंग मतलब होनी चाहिए लीडरशिप ऑफ एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आपकी एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनकी कैसे लीडरशिप चल रही है ये चारों चीज़ें जो हैं वो चेयरमैन सी के फीडबैक में आती हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट होती हैं फिर आता है दोस्तों मैनेजमेंट ऑडिट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है मैनेजमेंट को लेकर जो ऑडिट होता है वो मैनेजमेंट ऑडिट कहलाता है इट इज डेवलप टू इवेल्यूएट एक्टिविटी सच एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनल एरियाज लाइक द मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड डिवीजन सच एज द इंटरनेशनल डिवीजन तो मतलब जो भी कंपनी की आ, रिक्वायरमेंट्स है फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में रिक्वायर्ड है कि आपका सर्टेन अगर इतना प्रॉफिट टर्न होगा तो आपको इतना परसेंट जो है वो सी एस आर एक्टिविटीज़ में लगाना है तो क्या वो सी एस आर एक्टिविटी में वो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है ये ऑडिट का पार्ट होता है फंक्शनल एरियाज़ होते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट का एक ऑडिट होता है और मान लीजिए कंपनी के कुछ डिवीजन है अब वो अलग यूनिट के डिवीज़न हो सकते हैं कई बार कंपनी के अंदर कोई सब कंपनीज होती हैं इंटरनेशनल डिविजन होते हैं इन सब का पार्ट भी ऑडिट का पार्ट होता है इट इज़ यूजफुल टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन इवेलूएटिंग मैनेजमेंट्स हैंडलिंग ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ ये जो ऑडिट रिपोर्ट आती है ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनके लिए बड़ा ही एक रेडी रेकनर टाइप होता है कि मैनेजमेंट कैसे उसको हैंडल कर रही है कॉरपोरेट की एक्टिविटीज़ को तो ऑडिट भी जो आपके इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट होते हैं तो हमेशा जब भी कोई मैनेजमेंट की मीटिंग होती है उसमें हमेशा जो है ऑडिट वाले पॉइंट भी डिस्कस होते हैं ऑडिट रिपोर्ट भी प्रेजेंट होती है तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह समझ में आ जाता है कि कंपनी ठीक डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है अब इसके बाद आता तो स्ट्रेटेजिक ऑडिट इट प्रोवाइड चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चन बाई एरिया और इशू इनेबलिंग सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट फंक्शन एंड एक्टिविटीज टू बी मेड मतलब कि आपके एरियाज या इशूज या मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो से रिलेटेड आपने स्ट्रेटेजिक कुछ प्लानिंग की हो उसका ऑडिट बेसिकली स्ट्रेटेजिक ऑडिट कहलाता है इट इज़ यूजफुल एज डायग्नोस्टिक टूल टू पिन पॉइंट कॉर्पोरेट वाइड प्रॉब्लम एरियाज एंड टू हाईलाइट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अब स्ट्रैटेजिक ऑडिट किस लिए की जाती है हर कंपनी में कोई ना कोई पेन एरिया हो सकता है तो उसको पिन पॉइंट करने के लिए डायग्नोस करने के लिए कि ये रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी जिसको इतना ग्रो करना था ये नहीं कर पाई वो स्ट्रैटेजिक ऑडिट में निकल के आता है ऐसा ही हर कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो कहाँ से निकल के आती है वो इस स्ट्रैटेजिक ऑडिट से निकल के आती है अब दोस्तों आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स ये क्या होता है इट इज़ यूज टू आइसोलेट अ यूनिट सो सिबिलिटी डिफाइन तो की, की है और उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का नाम देते हैं तो हमने क्या किया हमनेट कर दिया ताकि उसको बाकी कॉर्पोरेशन सेपरेटली इवेलुएट किया जा सके बाकी कॉर्पोरेशन फंक्शन अलग कर रही है वो यूनिट अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग फंक्शन करती है तो आप उसको इवेल्युएट भी अलग कर सकते हैं इट हैज इट्स ओन बजट एंड इट्स इवेल्युट ऑन बेस ऑफ यूज़ देश रिसोर्सेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का बजट भी अलग से एलोकेट होता है क्योंकि अलग से काम कर रही है अलग से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उस बजटेड रिसोर्स मतलब इतने इसको रिसोर्स देने थे ये आपने दिए ये रिजल्ट्स आने चाहिए थे आए नहीं आए उसको देख के जो है इसको इवेल्यूएट किया जाता है इट इज़ हेडेड बाई द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंटर्स परफॉर्मेंस और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है उसका एक मैनेजर या उसका एक कह सकते हैं हम की पर्सन को बनाया जाता है उसको मैनेजर उसको हेड करता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेंटर ठीक से परफॉर्म करे ना करे ये कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का अब रिस्पॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स जो नॉर्मली होते हैं कंपनीज में डिपेंडिंग अपॉन कंपनी साइज एंड कंपनी ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई एक भी हो सकता है सारे भी हो सकते हैं एक सेंटर होता है दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर इसका काम होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट को मेंटेन किया जाए मान लीजिए आपकी कंपनी है जिसमें रॉ मेटीरियल प्रोक्योरमेंट जो है वो काफ़ी हाई पार्ट बनती है आर एम पी एम तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में, को मेंटेन करने के लिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग से है तो वो जो सेंटर है वो अलग से काम कर रहा है उसका केपीआई है उस कॉस्ट को ड्राइव रखना और वो उसी बजट उनको कुछ बजट दिया जाएगा कि आपको इतने परसेंट कॉस्ट को कम लेके आना है तो इसलिए उनको कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर फिर आता है दोस्तों रेवेन्यू सेंटर्स जो आपको रेवेन्यू कमा के देते हैं अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का सेल्स डिपार्टमेंट है वो क्या है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है क्योंकि उससे ही आपको जो है कंपनी के लिए सेल मिल रही है जिसको आप यूज करते हैं पैसे को फिर आता है एक्सपेंस सेंटर जो खर्चे के लिए सेंटर है अब एक एग्जांपल दिया जा सकता है जैसे जो सेल्स वाले कहते हैं कि हम सेल करते हैं मार्केटिंग वाले खर्च करते हैं तो मार्केटिंग बेसिकली क्या है रेवेन्यू सेंट वो बेसिकली सॉरी एक्सपेंस सेंटर है कंपनी के एक्सपेंसिस कर रहा है प्रॉफिट सेंटर वो सेंटर जिनको प्रॉफिट के लिए बनाया गया अब कंपनी की हर यूनिट या हर एरिया ऑफ बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता तो हर कंपनी क्या करती है कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेती है कि मेरे ये चार बिजनेस यूनिट है फॉर एग्जांपल इनमें से ये ये एक मेरा प्रॉफिट के लिए है तो उसके जो टारगेट्स हैं वो हमेशा जो है ना वो आप देखेंगे रेवेन्यू को लेके नहीं बल्कि प्रॉफिट को लेके होंगे तो उन बंदों के के भी वैसे डिसाइड होते हैं कि आपको कंपनी को प्रॉफिट ला देना है या आपको रेवेन्यू ला देना है इन्वेस्टमेंट सेंटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इनोवेशन है ये सारे इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंडर आते हैं मतलब इनमें इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी के फ्यूचर के लिए तो दोस्तों हमने कौन से कौन से इन्वेस्टमेंट सेंटर्स की बात करी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की स्टैंडर्ड कॉस्ट सेंटर रेवेन्यू सेंटर एक्सपेंस सेंटर प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर ये पांच आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं

नॉर्मली इंडस्ट्री का एक नॉर्म होता है कि जो इंडस्ट्री में लीडर हो या जो टॉप परफॉर्मर हो या जो तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो उसको बेंच कर ले अब आप ये कहेंगे कि मेरी ना थर्टी ग्रोथ हो गई अब सामने वाला कहेगा अच्छा यार ठीक है लेकिन एक बात बता तुम्हारी इसमें तो ये ए बी सी कंपनी लीडर है उसकी कितनी थी अब आप कहेंगे कि यार उसकी तो 35 थी तो कहेंगे यार फिर क्या अच्छा हुआ या मान लीजिए दूसरा आप कहते तो उसकी 15 थी अरे वाह क्या बात है तुमने टफेस्ट कॉम्पिटिटर से दो परसेंट दो गुना से ज़्यादा कर दिया तो जो बेंच है वो हमेशा इस तरीके से कहते हैं अब इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं आप जो है स्कूल टाइम में थे घर जाके कहते हैं पापा पापा 90 परसेंट मार्क्स आए मम्मी 90 परसेंट मार्क्स आए बेटा बहुत अच्छे हैं 90 परसेंट मार्क्स तो बट 90 परसेंट मार्क्स तो आए अब तुम्हारा जो है अब 90 परसेंट मार्क्स अच्छे तो है लेकिन फिर आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि एक बात बताओ क्लास में हाइस्ट मार्क्स कितने हैं आप कहोगे गए नाइन्टी आप तेर से ज़्यादा कितनों के मार्क्स हैं दस बच्चों के तो फिर कहेंगे अगली बार और मेहनत करना तो ये कहलाता है नाइन्टी फाइव परसेंट वाली जो हमने चीज़ की ये क्या किया हमने बेंच मार्क किया और यही कंपनीज भी करती हैं अब बेंच मार्किंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई एरिया और प्रोसेस टू भी एग्जामिंड आप किसको एग्जामिन कर रहे हैं फिर बिहेवियर और आउटपुट के मेजर्स को लिखा जाता है कि किनको मेजर करेंगे सेलेक्ट एक्सेसिबल सेट ऑफ कॉम्पिटेटर ऑफ बेड प्रैक्टिस अब कॉम्पिटेटर बहुत सारे होंगे उनमें से जिनकी बेस्ट प्रैक्टिस अच्छी और एक्सेसिबल क्यों कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे उनका इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है या उसमें डाउट है तो उसको बेंच मार्क मत करिए आप जो है हमेशा फिर जो है डाउट में ही रहेंगे कैलकुलेट डिफरेंस अमंग कंपनीज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कॉम्पिटेटर डरमाइंड वाई डिफरेंस एक्जिस्ट फिर आप जो आपने कॉम्पिटेटर जिसको बेंच मार्क सेट किया है उसके अगेंस्ट एवैल्युएट करिए डिफरेंस निकालिए और ये देखिए वो डिफरेंस क्यों एग्जिस्ट करता है डेवलप टैक्टिकल प्रोग्राम क्लोजिंग परफॉर्मेंस गैप जब आपने आइडेंटिफाई किया और जो गैप निकल के आए उनको कैसे फुल किया जा सकता है उसके लिए प्रोग्राम बनाइए उन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करिए और उसके बाद रिजल्ट को कंपेयर कीजिए यह होती है बेंच मार्किंग की कंप्लीट एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम अब इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों ई आर पी जो मेरे दोस्त वर्क एक्स वाले हैं उन्होंने स्टम को बहुत सुना होगा ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इट ऑल दी कंपनीज मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम ऑर्डर प्रोसेसिंग टू प्रोडक्शन विद इन अ सिंगल फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तो एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है जिसमें कंपनी के मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर लिया लेके आया जाता है इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू एवरी वन फ्रॉम सी टू फैक्ट्री वर्कर जिन जिन कंपनीज में ईआरपी होती है वहाँ पे कोई भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो वो सी से लेके ग्राउंड लेवल के हर बंदे के पास अवेलेबल होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आर एफ आई डी एंड इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग टेक्नोलॉजी यूज टू इंप्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी आजकल आर एफ आई डी टैग्स लगे होते हैं कोई भी प्रोडक्ट आपका जब हाउस में जाता है स्कैन होता है बाहर निकलता है स्कैन होता है ऐसे दुकानदार आपको स्कैन करके देते हैं तो ये टेक्नोलॉजी आर एफ आई डी टेक्नोलॉजी कहलाती है डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सपोर्ट इट इज यूज टू सपोर्ट री इनफोर्स और एनलार्ज बिजनेस लेवल थ्रू पुट द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस और मेजर करने में क्या क्या दिक्कत आ सकती है परफॉर्मेंस को लैक ऑफ क्वान्टिफाइबल ऑब्जेक्टिफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कई बार जो ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते मतलब क्वालिटेटिव मेजर्स हो सकते हैं ये चीज उससे तो अच्छी है बट कैसे उसको मेजर किया जाए स्पेशली मार्केटिंग कैंपेन्स में जैसे तो इसमें परफॉर्मेंस मेजर में दिक्कत करने की बात का ये मतलब है इन एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोवाइड टाइमली एंड वेली इन्फॉर्मेशन मतलब आप सिस्टम से चीजें नहीं ला सकते उसको मैनुअल यूज कर रहे हैं आई का यूज नहीं हो पा रहा है तो ये कई बार दो प्रॉब्लम है जो परफॉर्मेंस मेजर करने में आ सकती हैं तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वैल्यूशन कंट्रोल के थर्ड पार्ट को पढ़ा हमने जाना कि बेंच एक्सरसाइज क्या होती है हमने कंपनी के बारे में ई के बारे में जाना आर के बारे में जाना और और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जाना आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो आप हमारी मेल आई जो कि मीरू है उस पर लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू दोस्तों टेक केयर